सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 बेस्ट 4G वोल्टी स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, जो कि आपको अंडर 3000 में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 20-3000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा 4G वोल्टी वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो, जिसमें आपको कैमरा अच्छा मिले, बैटरी अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सभी फोन्स का परचेस लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग सभी फोन्स को परचेस कर सकते हो। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे लिस्ट का पहला स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स बोल्ड सेल्फी। तो बात करते हैं इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 4.5 इंच का VGA IPS LCD डिस्प्ले, 1.7 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB का रैम, 8 GB का स्टोरेज, 5 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, 1750 mAh का बैटरी, और यहाँ पर आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं फोन के प्राइस के बारे में, तो ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा 2800 में। एंड ये फोन ज्यादातर उन्हें पसंद आएगा जिन्हें 4G वोल्टी के साथ एक अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। बात करते हैं हमारे लिस्ट के नेक्स्ट फोन के बारे में। सो यहाँ पर आपको नंबर सेकंड पे देखने को मिलेगा कार्बन K9 स्मार्ट प्लस। तो बात करते हैं इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 5.45 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB का रैम, 8 GB का स्टोरेज, 5 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, 2800 mAh का बैटरी, और यहाँ पर भी आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं फोन के प्राइस के बारे में, तो ये फोन आपको देखने को मिलेगा 3200 रुपए में। और ये फोन ज्यादातर उन्हें पसंद आएगा जिन्हें इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है। बात करते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट एंड नंबर 3rd रैंक के स्मार्टफोन के बारे में। सो हमारे लिस्ट का नंबर 3rd रैंक का स्मार्टफोन है जियोक्स एक्स्ट्रा ब्लेज। तो बात करते हैं इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4.5 इंच का VGA IPS LCD डिस्प्ले, 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB का रैम, 8 GB का स्टोरेज, 2 MP का रियर कैमरा, 0.2 MP का फ्रंट कैमरा, 2000 mAh का बैटरी, और यहाँ पर भी आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फोन के प्राइस के बारे में, तो ये फोन आपको देखने को मिलेगा 2999 रुपए में। एंड ये फोन ज्यादातर उन्हें पसंद आएगा जिन्हें एक अच्छा बैटरी चाहिए एंड एक डिसेंट डिस्प्ले चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। बाकी गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आपको यहाँ पे तीनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट लगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।